वेलकम टू एम जी वीज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी। आई एम प्रोफेसर शहबाज एंड वी आर स्टडिंग मैमिलियन हिस्टोलॉजी पेपर सेकंड ऑफ सेमिस्टर थर्ड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दैट्स नेम इज हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स में हम लोग यहाँ पर, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑर्गन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, दे आर फंक्शनिंग देयर ओन फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल है, लीवर है, पैंक्रियाज है, हार्ट है, लंग है, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ दे आवर बॉडी। और ये अपना अपना एक फंक्शन रोल कर रहे हैं। तो यहाँ उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखने VS ऑफ स्किन, यहाँ पर देर आर सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। VS ऑफ स्किन, VS ऑफ टूथ, CS ऑफ टंग, मीन क्रॉस सेक्शन देखना है, विंट्रल सेक्शन देखना है, देन उसके बाद ग्लैंड से देखना है, एलिमेंट्री कैनल देखना है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखने हैं, ब्लड वेसल्स देखने हैं, किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मैमल, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करने हैं। So now we are going to start first point, VS of skin. Okay, you know very well histology means, this is the introduction of histology. The microscopic structure of the body can be studied at 3 levels: सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मीन्स जो हिस्टोलॉजी की स्टडी, हम लोग उसको 3 लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। एक फर्स्ट वन सेल्स है, उसके बाद टिश्यूज है, टिश्यूज में एक दी ऑर्गन्स। आई हैव टोल्ड यू उस ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स दी टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स दी ऑर्गन एंड ऑर्गन परफॉर्म्स देयर ओन फंक्शन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट VS ऑफ स्किन। VS ऑफ स्किन में हम लोगों को देखने इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कंसिस्ट दी टू लेयर्स, टू मेन लेयर्स, एपिडर्मिस लेयर एंड डर्मिस लेयर। स्किन इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेटा। जो स्किन है वो वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है, मींस ये इन वर्टिब्रेट में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट मीन प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वी आर हैविंग दी वर्टिब्रल कॉलम, सो वी बिलोंग्स टू दी वर्टिब्रेटा एंड वी हैव स्किन। हमारी पूरी होल बॉडी किससे कवर है? स्किन से कवर है। तो ये जो स्किन है, ये क्या वर्क करती है? प्रोटेक्शन का वर्क करती है। और क्या क्या वर्क है, क्या फंक्शन है इसके, हम लोग देखेंगे अभी आगे। स्किन को जो है क्यूटिस कहते हैं, और जो अभी मैं बताया टू मेन लेयर्स है, एपिडर्मिस जो है उसको इट इज आल्सो नोन एज एक्टोडर्म एंड सेकंड वन इज डर्मिस लेयर, इट इज आल्सो नोन एज मेसोडर्म। एंड स्किन इज हैविंग एडिपोज टिश्यू विच इज सेपरेट द हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस डर्मिस। एंड स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स फंक्शन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। मीन्स अगर हम स्किन की स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। इट इज़ ए स्पेशल टर्म ऑफ स्टडी ऑफ स्किन। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम डिसीज फॉर योर स्किन, स्किन की कोई भी डिसीज है, तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस होता क्या है?
epidermis of the skin is an effective barrier against water evaporation. ये जो है effective barrier है, means ये protect करता है water evaporation, means जो हमारी body में water present है वो evaporate ना हो जाए, तो उसके लिए उसको barrier का function perform करती है epidermis layer. And it is multiple layer composed of keratinocyte. Keratinocyte, this is a protein which is present in the skin, and it is hard and tough protein which is present for protection. Keratin जो है एक protein है जो कि हमारी skin में present है. So यहाँ से ये keratinocyte से composed होती है epidermis layer. And keratinocyte differentiate stratum malphigi and stratum granulosum. जो keratinocyte protein है ये किसको differentiate करता है, stratum malphigi and stratum granulosum को differentiate करता है. And they undergo cornification at the stratum corneum. जो के main actual barrier है against the water evaporation, जो हम लोगों का स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये क्या, ये मेन बैरियर है अगेंस्ट द वाटर इवेपरेशन. देन सेकंड वन डर्मिस लेयर. इपिडर्मिस का क्या फंक्शन देखे हम लोग, ये क्या करेगा, ये बैरियर का काम करेंगे, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा. मतलब यहाँ पर हम लोग का वाटर, बॉडी का वाटर सेव होगा इपिडर्मिस लेयर की वजह से. यहाँ पर सेकंड लेयर देखते हैं डर्मिस लेयर. डर्मिस लेयर इज अ थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द स्किन. ये जो है स्किन का थिक पोर्शन होता है. मैमल्स कंपोज द डर्मिस लेयर एंड इट कंपोज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, एयर फॉलिकल, स्मॉल मसल्स एंड ग्लैंड्स. मीन्स जो भी सारी चीज़ें जो कंटेन करेगा वो कौन करेगा, डर्मिस लेयर करेंगी. इपिडर्मिस लेयर जो है सिर्फ वो बैरियर का काम करेंगी, लेकिन डर्मिस लेयर से जितनी भी चीज़ें वो सब अराइज कहाँ से होंगी, डर्मिस लेयर से होंगी. जैसे कि हेयर फॉलिकल है, ब्लड वेसल्स है हमारी, ये सब किस पे लाए करेंगी, ये सब लाए करेंगी डर्मिस लेयर पर. यहाँ पर डर्मिस लेयर में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रिएट करता है येलो एंड वाइट फाइबर्स. और इनका फंक्शन क्या होता है, हम जो भी चीज़ फील करते हैं जैसे टच है, हीट है, कोल्ड है, पेन है, प्रेशर है, दिस इज ड्यू टू द फाइब्रोब्लास्ट. ओके, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं वेस ऑफ स्किन का. उसमें सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन देखे होंगे कभी आप लोग, तो स्किन को जब कट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूटीज कट होती है, फिर उसके बाद इपिडर्मिस कट होती है, फिर डर्मिस लेयर कट होती है. ठीक है, फिर उसके आउटसाइड, स्किन के आउटसाइड में हम लोगों के यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और जो कि हेयर है, नेल्स है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हेयर. यू नो वेरी वेल हेयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हेयर है. हेयर के स्ट्रक्चर का तो कैसा होता है, हेयर इज़ अ केरेटिनाइज्ड थ्रेड लाइक. ये जो है तो केरेटिनाइज्ड मतलब जो केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है उससे कंपोज्ड होता है. ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, आउट ग्रोथ फ्रॉम द स्किन, स्किन के अपर साइड में प्रेजेंट है. एंड इट इज थिन, फ्लैक्सिबल एंड शेफ्ट ऑफ द कॉर्निफाइड सेल्स. देखिए आप लोग, ये थिन है, फ्लैक्सिबल है, जिधर चाहे उधर ये हमारे हेयर से जिधर चाहे उधर मुड़ जाते, ये फ्लैक्सिबल होते हैं, थिन होते हैं, एकदम बारीक थ्रेड लाइक है. ओके, हेयर इज अ कलर्ड. ये कलर्ड होता है ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से जो हेयर है वो कलर्ड होते हैं. हेयर डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ हेयर फॉलिकल.
ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हेयर फॉलिकल से स्टार्ट होते हैं, जो कि कहाँ पर है? हेयर फॉलिकल सेबेसियस ग्लैंड में, एंड सेबेसियस ग्लैंड ओपन इन दी डर्मिस लेयर। ये डर्मिस लेयर से हेयर फॉलिकल ओपन होता है, हेयर फॉलिकल से फिर हेयर कंपोज्ड होता है। हेयर फॉलिकल जो है वो हेयर का बेस पार्ट है। देन नेक्स्ट वन है हम लोगों का नेल। नेल्स देखते हैं, नेल्स आर लाइक अ हेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पर जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट है, उसी तरह नेल्स प्रेजेंट है। नेल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, पिंकिश कलर दिखाई देते हैं। इट इज़ अ हार्ड कवरिंग ऑफ द फिंगर्स। नेल्स डेवलप फ्रॉम इपिडर्मिस, इट्स ऑल्सो डेवलप फ्रॉम इपिडर्मिस। इपिडर्मिस से हम लोग क्या देखे अभी? हेयर फॉलिकल, उसके बाद फिर नेल। नेल कंसिस्ट टू केराटिन प्लेट्स। जो नेल है हम लोगों का, इसको कभी आप लोग अगर देखेंगे इसका सेक्शन, तो यहाँ पर दो प्लेट प्रेजेंट है, ऊपर हार्ड कवर है, नीचे एक प्लेट और है, जिसको जिस दोनों का नाम है, एक का अनग्विस एंड सब अनग्विस। तो जो अनग्विस है, इट इज़ कॉल्ड नेल बेड, एंड सेकंड वन जो के क्या करती है, सेकंड वन का फंक्शन है, इट गिव्स द पिंकिश कलर टू द नेल, नेल को पिंक कलर देती है। सो नेक्स्ट वन है क्यूटेनियस ग्लैंड। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी स्किन, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, मेबोइल ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ जीस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज स्यूडोरी फेरस ग्लैंड। ये क्या होता है? इट इज़ सिचुएटेड इन दी डीप इन डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के डीप में प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वाटर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट द बॉडी हीट। जो स्वेट ग्लैंड है, ये सिक्रेट होता है हम लोगों की डर्मिस लेयर से, और इसका फंक्शन जो है वो रेगुलेट करना है हमारी बॉडी की हीट को। दो टाइप के यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है, एक ई क्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन। जो ई क्राइन है, ये इसका फंक्शन जो होता है ये रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी हीट, और जो एपोक्राइन है ये इट इज़ प्रेजेंट इन दी लो इट इज़ लोकेटेड इन एक्जिला एंड प्यूबिक, अपीयर आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के बाद लोकेटेड होता है एक्जिला एंड प्यूबिक में। देन उसमें ऑयल ग्लैंड्स है, मिल्क ग्लैंड है। ऑयल ग्लैंड जो है आप लोग देखेंगे पसीने के साथ साथ, स्वीट ग्लैंड के साथ साथ हम लोगों की स्किन पे कभी कभी इस तरह ऑयली सब्सटेंस आते हैं, जो कि उसको छुएंगे आप लोग तो ऑयली दिखेगा। तो दिस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज सेबेसियस ग्लैंड। इसको सेबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो है इस ऑयल ग्लैंड है ये, इट्स ऑल्सो ओपन इन टू हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं, लेकिन जब इसको ये हमारे फेस पर स्किन पर दिखाई देते हैं, इसको जब आप लोग टच करेंगे तो ये फैटी दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स दी फैटी एसिड्स। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। उसी तरह मिल्क ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड जो ये सिक्रेट करते हैं मिल्क टू फीड दी यंग वन। और मेबोल ग्लैंड है, इट लाई इन दी आईलिड। आईलिड जो हम लोगों की आईज, आईज में आईलिड है, आईलिड को जो कवर करता है वो क्या है? मेबोल ग्लैंड। इट इज़ अ वाटरी एंड लैक्रिमल फ्लूइड। ये जो है वाटरी होता है और एक फ्लूइड है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्रिमल। उसके बाद है ग्लैंड ऑफ जीस। ग्लैंड ऑफ जीस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी आईलिड एंड ओपन इन दी हेयर फॉलिकल। और इसका फंक्शन क्या है? ये कीप करता है फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, किसको? आईलेशेस को। ये जो हमारी आईलेशेस दिख रही है, आई को प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रखने के लिए यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ जीस।
उसी तरह वैक्स ग्लैंड है, देखो आप लोग ईयर में देखे होंगे, ईयर में से जब भी आप उसे किसी चीज़ से उसको बाहर निकालते तो वैक्स ग्लैंड दिखाई देता है हम लोगों को, वो क्या है, वो वैक्स ग्लैंड है। एंड नाउ फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का फंक्शन क्या क्या है, प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और सेंसेशन है। जैसे मैं अभी बताया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे रहेगा, आईलेशेस का प्रोटेक्शन ग्लैंड कर रहा है, आईलिड का प्रोटेक्शन मेमोइल ग्लैंड कर रहा है, हमारी स्किन का प्रोटेक्शन ऑयली ग्लैंड कर रही है, तो ये सब क्या है, ये प्रोटेक्शन है। और एपिडर्मिस क्या कर रही है, एपिडर्मिस वाटर इवेपोरेशन से प्रोटेक्ट कर रही है। और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये किससे रेगुलेट हो रहा है, ये स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड में मैं बताया ईक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड, ईक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी की हीट को, तो ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी ग्लैंड्स आ जाएंगे, सारे ग्लैंड्स क्या है वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, स्वेट ग्लैंड इसक्रीट कर रहे हैं स्वेट, ऑयली ग्लैंड इसक्रीट सेबेसियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड इसक्रीट कर रहे ऑयल्स, मेमोइल ग्लैंड सिक्रीट कर रहे लैक्रिमल फ्लूइड, ग्लैंड्स ऑफ जीज सिक्रीट कर रहे सेबेसियस ग्लैंड जो कि फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट रखने के लिए पावरफुल है फॉर दी आईलेशेस। लास्ट वन सेंसेशन, हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं हम लोगों को सेंस होता है, हम लोगों को महसूस होता है फ़ौरन, हम उसको अगर वो गर्म है तो छोड़ देते हैं, उसको भाप लेते, ठंडी है गर्म है, तो ये क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है, ये सब सेंसेशन है। किसका काम है ये भी, ये भी इट इज़ आल्सो वर्क ऑफ, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्किन। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर नंबर 3, वीएस ऑफ स्किन। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स।